भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वन टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की शुरुआत बारिश के साथ हुई। पहला दिन बारिश में धुलने के बाद दूसरे दिन जब खेल हुआ तो खराब रोशनी के कारण रोकना पड़ा। तीसरे दिन भी खराब रोशनी की समस्या सामने आई और खेल रोकना पड़ा। उसके बाद चौथा दिन फिर बारिश में धुल गया। मतलब चार दिनों के खेल में महज दो दिन ही खिलाड़ी मैदान पर उतर सके और उन दो दिनों को भी देखा जाए तो खेल पूरा नहीं हो सका। वहीं जब चौथे दिन का खेल बारिश में धुल गया तो दिग्गज आईसीसी पर भड़क गए हैं और अब जमकर आईसीसी पर अपनी भड़ास निकाल रही है। भारतीय टीम के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज ने आईसीसी और भारतीय बल्लेबाजों पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, बैट्समैन को भी टाइमिंग नहीं मिली ढंग की और आईसीसी को भी। सहवाग के अलावा इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन ने भी आईसीसी पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे पीड़ा हो रही है मैच ये कहते हुए मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन कोई भी बेहद महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच इंग्लैंड की धरती पर नहीं खेला जाना चाहिए। पीटरसन का मानना है कि फाइनल जैसा मैच दुबई में खेला जाना चाहिए जहां मैच में खलल पड़ने की संभावना कम ही होती है। पीटरसन ने कहा, यदि मुझे फैसला करना होता तो मैं WTC फाइनल जैसे मैच के लिए दुबई को मेजबान चुनता। नैसर्गिक स्थल, शानदार स्टेडियम, मौसम अच्छा रहने की गारंटी, अभ्यास की बेहतरीन सुविधाएं और यात्रा के लिए उत्तम जगह, और हाँ, स्टेडियम के करीब ही आईसीसी का मुख्यालय भी है। पीटरसन के अलावा भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी आईसीसी को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा, जॉइंट विनर का आइडिया बिल्कुल सही नहीं है, ऐसे में आईसीसी क्रिकेट कमेटी को इस पर फैसला लेना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में ज्यादा बाउंड्री जड़ने वाली इंग्लैंड टीम को विजेता चुना गया था, तो इस बार भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कोई फॉर्मूला होना चाहिए था। लिटिल मास्टर गावस्कर ने आगे कहा, फुटबॉल में विजेता तय करने के लिए पेनल्टी शूटआउट होता है या कोई और तरीका होता है। टेनिस में 5 सेट होते हैं और एक टाई ब्रेकर होता है। WTC फाइनल के ड्रॉ होने की स्थिति में भी विजेता चुनने का एक फॉर्मूला होना चाहिए। इनके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने तो मैच को दोबारा से आयोजित कराने की मांग कर दी। मदन लाल ने कहा, मैच को फिर से शुरू करना चाहिए, मैच का नतीजा आना चाहिए और ये फाइनल है इसलिए इसे फिर से शुरू करना चाहिए। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल बारिश के कारण ड्रॉ होता है तो इसे फिर से शुरू करना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले को अब कहीं और आयोजित कराया जाना चाहिए या फिर आईसीसी को कोई नियम लाकर मैच का विजेता घोषित करना चाहिए?